मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार और युवक ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से क्या अपील की, राज्यों की अहम खबरों के लिए अब देख लेते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। बिहार के पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के बाद से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सुशासन की नहीं बल्कि अपराधियों की सरकार है। यूपी के मऊ में पूर्व प्रधान के भतीजे की गोली मारकर हत्या के बाद बवाल मच गया। वारदात से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया। ग्रामीणों के मुताबिक ये हत्या चुनावी रंजिश को लेकर हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में 7 नए सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल कर्नाटक कैबिनेट में सीएम येदियुरप्पा समेत 27 मंत्री हैं और मंत्रिमंडल में 7 लोगों की जगह खाली है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के आजमगढ़ और जौनपुर का दौरा किया। ओवैसी ने कहा, मैं ओम प्रकाश राजभर जी से मिलने आया हूँ। AIMIM भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा अच्छा प्रदर्शन करेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बिजली महादेव के जंगल के एक बड़े इलाके में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से कई एकड़ में फैले जंगल जलकर राख हो गए। आग से किसी भी तरह से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। आग की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गाय के हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वीडियो में दिख रहा है कि गाय पहले साइकिल सवार बच्ची को टक्कर मारती है और फिर उसे कुचलने की कोशिश करती है। इस बीच जब एक महिला उसे बचाने का प्रयास करती है तो गाय महिला पर भी हमला कर देती है। उसने भी किसी तरह गाय से अपनी जान बचाई। उत्तर भारत में लोगों को अगले कुछ दिन भीषण सर्दी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ यूपी, MP और राजस्थान में तेज शीतलहर चलने की आशंका जताई है। शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वाशिम के रहने वाले गजानन राठौड़ नाम के एक शख्स ने नौकरी दिलाने या शादी कराने की मांग की है। बेरोजगारी और नौकरी नहीं मिलने से परेशान युवक ने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर ये मांग की है। युवक की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है और चर्चा का विषय बनी हुई है। देश भर में आज लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। जम्मू में तैनात CRPF जवानों और अधिकारियों ने लोहड़ी पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया और कहा कि ये त्यौहार भाईचारे का प्रतीक है। दक्षिण भारत और ओडिशा में 4 दिन चलने वाले पोंगल उत्सव की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के गजपति जिले में कल शाम भोगी उत्सव मनाया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।